कल का मैच देखा मैंने, आरसीबी वर्सेस केकेआर। हमें देखना ये था, हो ये गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये भी ठीक था, बैटिंग करने विराट कोहली आए, सामने था मिचेल स्टार्क। विराट कोहली भाई को कप याद आ गया, पहली बॉल पे ही दे चौका मारा उसे। एक्सपेंसिव प्लेयर है भाई। को पैसा बर्बाद पहन चोद। मिचेल स्टार्क ने इतने चौके छक्के खाए हैं ना विराट भाई से, कप नहीं उठाएगा भाई, कप उठाएगा ही नहीं वो। मैक्सवेल की बात करते हैं, जिस बंदे ने खड़े खड़े वर्ल्ड कप में 200 मारे थे, उससे 50 रन नहीं बन रहे हैं भाई, 50 छोड़ो 30 नहीं पार हो रहा उनसे, 28 रन मारे हैं भाई उसने। और हाँ, उसमें दो कैच दे दिए हैं, एक कैच रमनदीप को दिया, दूसरा सुनील नारायण को दिया, तीसरा रिंकू सिंह को आ गया, उसने कैच कर लिया, नहीं तो मुझे लगा वो भी छूटने वाला था एक टाइम को। तो मुझे ये भी लगा गंभीर भाई फील्डिंग वाले कोच की तो क्लास ही ले रहे होंगे। ये मैक्सवेल भाई एक कैच दिया, दूसरा कैच दिया, और तीसरा भी कैच ही दिया, उसमें भी आउट होके चला गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई दो बार कैच से छूटा तो तीसरी बार भी कैच दे दिया। बात करते हैं नीतीश राणा की। इस मैच में नीतीश राणा नहीं था, हर्षित राणा था। नीतीश राणा से याद आया, हर्षित राणा, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, गौतम भाई, नेपोटिज्म। आरसीबी की एक बार बैटिंग देख लो, बैटिंग देख ली, बॉलिंग देख लो। बैटिंग में अपने विराट भाई चल रहे हैं, विराट भाई खड़े हैं, तो मैं भाई आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वरना मैं आरसीबी को सपोर्ट नहीं करता। आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग पिच को उन्होंने बैटिंग पिच बना रखा है भाई। सुनील नारायण पीट के जा रहा है इनको ओपनिंग में आके, जिससे कभी 5 साल में 20 रन ना भरे। गौतम गंभीर के आते ही ओपनिंग में आया और 47 रन ठोक दिए। किसके सामने? आरसीबी के सामने ठोक दिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भाई यही चल रहा तेरे को, तो 2 विकेट आई है बॉलिंग में आरसीबी की। आरसीबी ने 2 विकेट लिए, तीसरा विकेट भाई लास्ट में आया जब वो रन ले रहे थे। मुझे तो बस आरसीबी में एक ये प्लेयर दिखता है और एक ये प्लेयर दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखता मेरे को। मैच में भी तो कहाँ दिखते हैं, खेलेंगे तो दिखेंगे ना, दिखते ही ना हमें। ये देखो बॉलिंग बच गया, रसायल ना आया, उसने और पीटना था। ऊपर नारायण पीट के गया, नीचे वेंकटेश अय्यर पीट के गया, श्रेयस अय्यर थोड़ा थोड़ा और मार रहा था, बच गया रसायल ना आया, वो अलग पीट था। ये रिंकू सिंह भी ना चला, ये तो 200 तो पार ही थे मुझे लगा। चेज 182 का कर रहे हैं, मुझे लगा 200 रन तो बन ही जाने हैं चेज करते करते। 16 ओवर में 186 का रन चेज कर लिया। आरसीबी की बॉलिंग बड़ी खतरनाक है भाई। रजत पाटीदार की बात करते हैं, ये बंदा ना पहले मैच में चला था, दूसरे मैच में तो चला ही था, 18 बॉल में 18 रन, और तीसरे मैच में ये तो दिखा ही ना मेरे को, आता ही आउट होके चला गया भाई। यहाँ तो विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा भाई, बैटिंग तो कर ले, बैटिंग भी ना हो रही इनसे। एक टाइम को तो मैं ये मान लूँगा अनन्या पांडे एक्टिंग अच्छी करती है, ये ना मान सकता भाई कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत अच्छी है। बॉलिंग पिच को भाई बैटिंग पिच बना रखा है। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मैच की अगली वीडियो में।